चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार में पहले चरण के मतदान 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होंगे, तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर को होंगे, वहीं मतगणना 10 नवंबर को होगी। बता दें कि इस बार वोट डालने के लिए 1 घंटा अधिक वक्त रखा गया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। इस बार नामांकन और हलफनामा ऑनलाइन भी भरा जाएगा। डिपॉजिट को भी ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे। प्रचार के दौरान किसी से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं इस बार चुनाव में 6 लाख PPE किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएगी। 46 लाख मास्क का इस्तेमाल भी होगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही 6 लाख फेस शील्ड को उपयोग में लाया जाएगा। 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं। इनमें से 16 लाख वोट डाल सकते हैं। 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे। इसी के साथ ही हर मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर से लेकर कोविड से जुड़ी सभी तरह की व्यवस्थाएं अनिवार्य होंगी और मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट डाल सकेंगे, जिनके लिए अलग से व्यवस्था होगी। प्रचार मूल रूप से वर्चुअल ही होगा, लेकिन DM छोटी रैली की जगह और वक्त तय करेंगे। हर पोलिंग बूथ पर साबुन सैनिटाइजर समेत अन्य चीजों की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होगा। राज्य में 29 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल है। इस बार पोलिंग स्टेशन की संख्या और मैन पावर को बढ़ाया गया है। बिहार में 2020 के चुनाव में 7 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करेंगे। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।